कृपया यात्री ध्यान दें, अगर आप बकचोदी नहीं सुनना चाहते हैं तो सीधी वीडियो को स्किप कर दें इंट्रो तक। उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की शुद्ध हिंदी में मिल जाएगी। तो भाई यार, मेरे को ये अपडेट देखने के बाद पबजी वालों से एक ही बात करनी है, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। हाँ भाई, अब तो हद ही कर दी है पबजी वालों ने भाई। कॉपी करने की भी कोई हद होती है? जहाँ तक तो ठीक था कि कॉल ऑफ ड्यूटी का उन्होंने मल्टीप्लेयर वाला चोरी कर लिया, TDM ला दिया गोडजिला मोड के नाम से, पर ऐसा नहीं चलता हर बार। इस बार तो उन्होंने फ्री फायर को भी नहीं छोड़ा, हालांकि पहले भी कई कुछ कॉपी कर चुके हैं फ्री फायर से, पर जो अब लाए है ना उससे मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत है। और छोटी सी दिक्कत नहीं है, इसके बाद एक और दिक्कत है जिसके बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। भाई मेरे को एक बार पबजी वालों की समझ नहीं आती, जे तब तक सुधरेंगे नहीं जब तक इनकी शादी पे कोई हक ना दे, और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अभी तक एपेक्स लेजेंड पेंडिंग में है। तो भाई अभी मेरे को पता चला है कि 1.2 का अपडेट बीटा लॉन्च हो चुका है, जिसका सेकंड वर्जन होने वाला है, जिसमें भाई एक न्यू गन डाली है जिसका नाम है फेमास। तो ऐसा ही कुछ इसका नाम है जो कि फ्री फायर की गन है, और इसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको वीडियो में दूंगा। और ये बात मेरे को क्यों नहीं अच्छी लगी ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पबजी वाले क्या बकचोदी पेल रहे हैं। तो करते हैं वीडियो को शुरू बिना टाइम गवाए उन लोगों के लिए मेरा इंट्रो जो कि मेरे चैनल पे नए आए हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है मानव एंड यू आर वाचिंग TTT गेमर। सो वीडियो को शुरू करते हैं। यानी रोज गेमिंग का डोज लेने के लिए सब्सक्राइब किया करते हैं और बेल आइकन को दबाया करते हैं। सो गाइस, बीटा का जो सेकंड अपडेट है वो आ गया है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मैं दे दूंगा। और आपके भी अगर मन में सवाल है कि बैकग्राउंड में जे फ्री फायर वाली भाई बैकग्राउंड में वीडियो क्यों चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गन की बात करने वाले वो भाई फ्री फायर में ही ज्यादातर यूज की जाती है और फ्री फायर में ही आई थी, जो कि सबसे ज्यादा फेमस गेम थी। तो अब बात कर लेते हैं कि इस पैच नोट जो हमारे पास आए उनमें से सबसे मेन चीज क्या है जो कि अपडेट वगैरह आपको मिलने वाला है। तो एक न्यू गन ही आने वाली है जिसके बारे में आज आपसे मैं पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो उसका नाम क्या होने वाला है, हालांकि पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, उसका नाम फामास होने वाला है। तो ये कैसा नाम है आपको भी पता चल जाएगा, अगर आप फ्री फायर खेलते हैं तो उसमें भी यही नाम था इसका, फेमास। तो इसमें गई ये एक सिंपल सी आपको बता दूं कि ये एक असॉल्ट राइफल होने वाली है जिसमें की 5.56 mm की एमओ डलने वाली है, और ये भाई सिर्फ और सिर्फ लिविक की होने वाली है। तो अगर लिविक मैप में ही अगर ये एक्सक्लूसिव होने वाली है तो भाई ये गन कोई भी नहीं लेने वाला, लिख के ले लो मेरे से भाई। ये इन्होंने पैच नोट में बताया है कि हाँ भाई ये लिविक मैप के लिए ही आने वाली है। सो गाइस यार, थोड़ी सी मैं ब्रेक लेता हूँ कि लास्ट में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे मेरे को लगता है कि जो पबजी मोबाइल कर रही है नए नए अपडेट ला रही है, जैसे कि लिविक मैप है वो छोटा मैप है और एक गन है जो कि फ्री फायर में से ली गई है, तो ऐसे अपडेट देकर ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस वगैरह अपनी तरफ लाना चाहते हैं फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी के, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो आप बात कर लेते हैं फिर से अपनी गन के बारे में। तो फेमास जो गन है ये कब तक आ जाएगी, अगर आपके मन में सवाल है मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये अभी इसका कोई भी कंफर्म डेट नहीं है, पर बीटा जो सेकंड अपडेट आता है उसमें ये देखने को हमको मिली है। तो कुछ लोगों को अपडेट मिल गया है बीटा का, कुछ को नहीं मिला है, अभी धीरे धीरे करके सभी को अपडेट मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूं कंफर्म डेट की, तो कंफर्म डेट नहीं है, तो मैं आपको एक अंदाजा सा दे सकता हूं कि हाँ भाई इस दिन ये आ सकती है। तो अगर रॉयल पास आपको पता होगा जब लॉन्च होता है उससे पहले एक अपडेट आता है, हालांकि रॉयल पास का बाद में अपडेट आता है, उससे पहले एक अपडेट आता है, उसमें आपको शायद ये गन देखने को मिल सकती है, और नहीं भी क्योंकि भाई मैं पक्का नहीं कह रहा है, ये कंफर्म डेट इसकी नहीं पता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये ड्रॉप में गन तो नहीं आने वाली, भाई मैं सीधे बताता हूँ नहीं, ये ड्रॉप में नहीं आने वाली है। तो ये कैसी गन होने वाली है इसके बारे में बात कर लेता हूँ भाई। इसका फायर रेट भाई बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ उसका फायर रेट सबसे बढ़िया होने वाला है। बाकी अगर आप SMG वगैरह यूज करते हो ना तो वैसी ही गन होने वाली है, हालांकि ये असॉल्टर होने वाली है। पर एक जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ, ये लॉन्ग रेंज में भाई फायर रेट उतना ही देगी, पर इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने AKM वगैरह चलाई होगी लॉन्ग रेंज में तो उससे भी ज्यादा शायद हो सकता है, पर मैं पक्का नहीं आपको कह रहा। पर भाई यार मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ कि लॉन्ग रेंज में इसको सच में कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं जो कि स्टार्टिंग में एक टॉपिक मैंने छेड़ा था कि हाँ भाई ये ऐसे अपडेट क्यों ला रहे हैं। तो पहले इन्होंने एक लिविक मैप लाया जो कि 15 से 20 मिनट में या 10 मिनट में ही खत्म हो जाता था,
तो ऐसा ही चलता है फ्री फायर में। फ्री फायर की अगर बात करूं तो उसमें एक मैच तकरीबन 25 से 15 मिनट या 20 मिनट में खत्म हो जाता है। तो अब इन्होंने एक गन डाल दी है जो कि सबसे फेमस गन है फ्री फायर की, और इनको ऐसा लगता है कि ऐसा करके हम शायद फ्री फायर की जो प्लेयर्स है, जो ऑडियंस है फ्री फायर की, जो फ्री फायर को खेलती है, वो अपनी तरफ ला सकते हैं। पर ऐसा शायद मेरे को लगता है या हो भी सकता है, भाई ये कुछ नहीं है। मैं इस बात को लेकर दावा नहीं करता, पर ऐसा हो सकता है। और एक और आपको मैं सबूत देता हूं, अगर इनका जो मल्टी प्लेयर है गोडजिला मोड जो पहले लेकर आया था, भाई यहाँ भी गोडजिला मोड आ गया, मल्टीप्लेयर अब एक दूसरे को मारेंगे टीडीएम। तो ये पबजी से पहले कॉल ऑफ ड्यूटी में आया था। तो अगर आपको पता है तो कॉल ऑफ ड्यूटी में सबसे फेमस मोड अभी भी जो बंदे खेलते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी, तो उसमें मल्टीप्लेयर मैचेस सबसे ज्यादा लगाते हैं। तो मल्टीप्लेयर मैचेस को देखते हुए इन्होंने टीडीएम निकाल दिया। तो ऐसे मेरे को लगता है कि ये सारी ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ पबजी मोबाइल के ऊपर ही लाना चाहते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो भाई जाइए कमेंट में, और कमेंट में हैशटैग पबजी लिख दीजिए। सो गाइस यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, हमको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है और वीडियो बनाने के लिए और आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए। अगर आप भी कोई ऐसा कंटेंट चाहते हैं जिसके बारे में शायद मैं वीडियो बना सकता हूं, तो कमेंट में जाकर एक आधा अपना कमेंट कर दीजिए, भाई अगली वीडियो इस पर बनाओ। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि अगर मेरे को लगा कि इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो गाइस यार मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हम कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू।